बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा एक स्टूडेंट अपने टीचर से पूछता है कि उस्ताद मोहतरम मुझे ये बताएं कि हमें आपके लेक्चर का इंतज़ार रहता है, हम आपकी क्लास को एंजॉय करते हैं, जब भी हम आपकी क्लास में बैठते हैं हम आपसे कुछ पढ़ते हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हीं बुक्स को हम खुद से पढ़ते हैं, अकेले में हम कोशिश करते हैं, हमें उस तरह का मजा नहीं आता, हम उन बुक्स को एंजॉय नहीं कर पाते। ये सुन के उस्ताद मोहतरम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि क्या आपने कभी शहद की मक्खी को शहद बनाते देखा? शहद की मक्खी डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर जाती है और वहां से रस लेके आती है और उस रस का मिक्सचर बना के शहद देती है और पेश कर देती है, जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। इसी तरह एक अच्छा उस्ताद डिफरेंट बुक्स को पढ़ता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस से कुछ चीजें गेन करता है और उनका मिक्सचर बना के, उनकी जिस्ट बना के आपके सामने क्लास में पेश कर देता है। तो जब ये मिक्सचर बन जाता है तो वो ज्यादा लजीज होता है, इसी वजह से आप क्लास के अंदर ज्यादा इंजॉय करते हैं। यहाँ पे टीचर्स के लिए भी एक मैसेज है कि जब भी आप लोग किसी भी क्लास के अंदर जाएं तो वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएं, डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करें, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप इंटरनेट को फॉलो करें और अपनी टीचिंग के अंदर, अपने मेथोडोलॉजी के अंदर आप क्या क्या वैरायटी लेके आए, यही अगर हमने इसको अच्छे तरीके से टीच करना है, बच्चों के इंटरेस्ट को पैदा करना है, तो हमें जो है ना वक्त के साथ साथ चलना होगा। अल्लाह ताला आपका हमीर नासिर हो।